हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी चाणक्य नीति के अनुसार आपको किन लोगों को नींद से तुरंत जगा देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये लोग। सबसे पहले विद्यार्थी, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी वजह से शिक्षा ग्रहण करते समय अधिक से अधिक समय अभ्यास ही करना चाहिए। अतः यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के समय सो रहा है तो उसे तुरंत उठा देना चाहिए ताकि वो अभ्यास ठीक से कर सके। विद्यार्थी सोता रहेगा तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। नौकर, चाणक्य के अनुसार यदि कोई नौकर काम के समय सो रहा हो तो उसे भी तुरंत जगा देना चाहिए, अन्यथा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। राहगीर, यदि कोई राहगीर या यात्री रास्ते में सोता दिखाई दे तो उसे उठा देना चाहिए, अन्यथा उसका सामान चोरी होने का भय रहता है। यात्री को सोता देख कोई चोर उसके धन को चुरा सकता है या अन्य कोई हानि पहुंचा सकता है। यात्री सोता रहेगा तो वो अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सकेगा। भूखा व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे जगा देना चाहिए और उसे भोजन देना चाहिए। भूखा व्यक्ति सोता रहेगा तो उसे शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है और वो बीमार भी हो सकता है। डरा हुआ व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति नींद में डर रहा हो तो उसे तुरंत ही उठा देना चाहिए ताकि उसका भयानक सपना टूट जाए और उसे शांति मिल सके। चौकीदार, किसी भंडार घर का रक्षक या कोई चौकीदार अपने कर्तव्य के समय सोता दिखाई दे तो इन्हें तुरंत जगा देना चाहिए। भंडार गृह का रक्षक या चौकीदार के सोने पर चोरी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, साथ ही जान और माल की हानि की संभावनाएं भी रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि किन लोगों को सोते हुए तुरंत जगा देना चाहिए। अगर आप इन लोगों को सोते हुए देखें तो तुरंत ही जगा दें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा नए नए अपलोड्स की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।